हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आई स्टार्ट माई डे फ्रॉम मेडिटेशन एंड योग। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी लाइव एट 5:30 AM। आई डू योग देयर लाइव एवरी डे। आई विल शो यू अनदर थिंग, दिस इज अ डॉक्टर्स बर्गर। यू कैन सी दिस इज सो हेल्दी बिकॉज आई हैव पुट सम फ्रूट्स ऑन इट एंड देन आई विल स्प्रेड दिस हनी ऑल ओवर द बर्गर ब्रेड। If you are not fond of healthy food, you can also put some finger fries, which is made by potatoes. Put some finger fries and then you can apply any honey or maybe a maple syrup. Now I will show you how it tastes. Actually, it tastes so good, but you can see the instant reaction on my face. This is so big. Actually, the bread is now overloaded, but let's have a little bite from the corner. And yes, this is so yummy. The honey tastes so nice. I have decided to speak bilingual. Some of my viewers don't understand English that much, so now I'm gonna speak both languages in Hindi and English. So let's talk bilingual. मैं उठ गई हूँ भाई, सुबह सुबह मैंने योग कर लिया है और मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। यहाँ भी नहीं बैठूँगी, यहाँ पे भी नहीं, मैं बैठूँगी यहाँ पर जहाँ पर सुबह सुबह ताज़ी हवा और रोशनी देखने को मिलती है। सो आई एम गोना सिट ऑन द स्टेयर्स एंड आई हैव टेकन माई ग्लास ऑफ टी। मुझे सीढ़ियों पर बैठना बचपन से ही बहुत पसंद है। कभी मैं नाराज़ भी होती थी तो मैं सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती थी और मेरी मम्मी मुझे मनाती थी बहुत देर तक। वैसे एक्चुअली आई एम नॉट अ अनॉयड पर्सन, बहुत कम नाराज़ हुई हूँ, लेकिन हुई हूँ तो मैं सीढ़ियों पर जाके बैठती थी। और देखिए कितना क्यूट प्यारा बच्चा हमारे घर पर आया है। मम्मी उसकी तरफ देखो, जब तो आएगी वो। जाओ करो, माँ जी को प्यार कर दो यहाँ पे ऐसे। आदम करियो, आइए। तो शर्मा गई तुम। I've been a multitasking person since I learned some household works. So this is macaroni and ये कड़ी का पेस्ट है, कड़ी बनाऊंगी मैं। ये मैक्रोनी में फ्राई करके डालूंगी सोयाबीन और ये है कड़ी के लिए पकौड़ास। सो जब मैं PhD में मैंने एनरोल किया था भाई, सबसे डिफ़िकल्ट टाइम मेरा वही था, इसीलिए मैं बार बार उसे रिपीट करती हूँ कि उस टाइम बहुत सारा समय हमें बचाना होता है पढ़ाई के लिए। तो जब मैं अपना टाइम बचाने के लिए 3-4 काम एक साथ करती थी ताकि जितना समय मुझे मिले और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं डालने वाली हूँ कढ़ी में, सब्जियाँ बाद में धो के रख दूँगी और मैं जल्दी जल्दी पकौड़े बना लेती हूँ कढ़ी के लिए। और भी फिर इनको क्या करूँगी, इनको भिगो के रख दूँगी और कढ़ी फ्राई होने के बाद भीगे हुए पकौड़े उसमें डालेंगे तो वो सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। सो आई एम गोना फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा फैटेंगे अपने हाथ से तो ये पफ़ी और फ्लपी से बनते हैं पकौड़े, बिना सोडा के भी। तो मैंने इसको काफ़ी फैट लिया था पहले। और भाई किचन में आप कितना भी मतलब अच्छा वेदर हो, किचन में पसीना ना आए, गर्मी ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। एक वो रील है ना कि तुम्हें किचन में क्या आता है, तो मुझे किचन में पसीना और चक्कर ही आते हैं। लगभग सभी को आते हैं। I want to share one thing with you who are watching, all the girls, I have a message for you कि जब भी कभी आपकी मम्मा थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, आपको कुछ सिखाएं, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें, गुस्सा ना करें। वाकई ही ये चीज़ें आगे चलकर हमारे बहुत काम आती हैं। मेरी मम्मा भी ऑलराउंडर टाइप की वुमन है और उन्होंने वैसा ही हमें बनाया है। आई एम वेरी थैंकफुल मम्मा, आई लव यू। देखिए इस वीडियो की शुरुआत में पहले मेरे खुशी के आंसू थे जब मैंने बोया का ये माइक ऑर्डर किया था और ये मुझे रिसीव हो गया था। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड ये मैं नौटंकी करी थी रोने की। अब मैं इतने दिनों से इसका प्रयास कर चुकी थी मंगाने का, मतलब मैंने 2-3 ऐसे माइक बेकार यूज़ कर लिए। अब फिंगर क्रॉस हैं कि देखते हैं कैसा निकलता है बोया का माइक वायरलेस। दिस इज़ फ्लिपकार्ट ऑर्डर एंड ये मुझे रिसीव हो गया था विद इन 2 डेज। अब इसको ओपन करने की बारी है। हमारे पास ऑलरेडी एक सेटअप है जिसमें पैनल है, ये 10 लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पर एंड वी हैव कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU और ये वायरलेस है माउस इसका। ये बेंचमार्क कंपनी के हैं जो बेस्ट माना जाता है वीडियो के लिए, मतलब ऑनलाइन टीचिंग के लिए। ये माइक है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सेनहीजर का है ये। और जो कीपैड है वो भी वायरलेस है, टोटली ब्लूटूथ कनेक्टेड होते हैं ये, तो इसको दूर से कहीं से भी आप कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। और ये जो माइक है इसको हेड पे लगा लेते हैं और इसकी क्वालिटी गजब है। तो इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये CPU हो गया हमारा। कैमरा देखिए, ये 1 लाख प्लस समथिंग का है जो हमारा कैमरा है और इसकी क्वालिटी
स्पीचलेस है, दिस इज द बेस्ट कैमरा, ये भी बेंचमार्क कंपनी का ही है। लेकिन जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हम इस सेटअप से थोड़ा अलग हटकर वीडियोस बनाते हैं, और माइक में अगर हम वॉइस ओवर वगैरह डालते हैं तो मुझे अलग से एक माइक की ज़रूरत थी, तो इसके लिए मैंने फिर माइक ऑर्डर कर दिया था। देखिए बिल्कुल स्क्रीन के सामने रहता है कैमरा, ये हमारी पैनल है जो जिसके जस्ट ऊपर लाइट होती है और सामने कैमरा होता है, तो यहाँ से हम अपनी ऑनलाइन वीडियोस बनाते हैं। तो अब चलिए इसे खोल लेते हैं, अनपैक कर लेते हैं इसको। इट हैज़ टू ट्रांसमीटर्स एंड वन रिसीवर, यानी दो माइक होते हैं और एक इसका प्लग इन रिसीवर होता है जिसको हम अपने जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट होता है वहाँ पे लगाते हैं। तो जैसे ही इसको कनेक्ट किया जाता है तुरंत ही ये ब्लूटूथ से ऑटो कनेक्टेड होते हैं दोनों, रिसीवर भी और माइक भी। तो उसमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, अलग से कोई ऐप नहीं डाउनलोड करनी पड़ती, अलग से कोई ब्लूटूथ नहीं ऑन करना पड़ता, उन दोनों का ब्लूटूथ होता है, यानी माइक का और रिसीवर का। तो और उसकी जो दूरी वगैरह वो बहुत अच्छी थी, मैं इतनी खुश थी इसको ओपन करते टाइम, इट वाज़ अ वेरी नाइस सरप्राइज़ फॉर मी। लेकिन इस वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा कि क्या ब्लंडर होने वाला है जो आपको नहीं करना है, और ये कंपनी का नाम मैं स्पेल कर रही हूँ BOYA। तो इसकी जो क्वालिटीज़ है मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसके एक बस सैड पार्ट ये है कि ये हर एंड्रॉयड को कनेक्ट नहीं कर पाता, मतलब हर फ़ोन में ये चल नहीं पाता इसका जो रिसीवर है। ये बिल्कुल ठीक निकला था, मतलब ये काम सही से कर रहा था, लेकिन मेरे फ़ोन में नहीं कर रहा था। मैंने दूसरे फ़ोन में लगाया, अपने हस्बैंड के में लगाया तो उनके में चल रहा था, लेकिन उनके फ़ोन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, तो मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा और मुझे दूसरा माइक मंगाना पड़ेगा। हालांकि बहुत अच्छा है वैसे, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं इसको थम्स डाउन कर रही हूँ। और मैं बहुत शाम होते होते बड़ा दुखी हो गई थी कि यार ये क्या करना पड़ रहा है, मतलब इतनी खुश थी मैं और फिर मुझे ये वापस भेजना पड़ रहा है। ये भी मेरे बैड लक का एक हिस्सा है। अगले दिन सुबह फिर से उठकर मैंने योग किया, एक्सरसाइज की। मैं फ्यूज़न करती हूँ योग और एक्सरसाइज का मिलाकर, जिसमें शुरू में मैं प्राणायाम करती हूँ फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस करती हूँ। तो मैं आजकल 5 बजे उठने लगी हूँ, बहुत अच्छी बात है कि मैं रूटीन पर आ गई हूँ अपनी हेल्थ को लेकर। और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करने के बाद पीती हूँ लेमन और हनी, समटाइम्स ब्लैक कॉफ़ी विद घी। तो उससे क्या होता है कि हमारा फैट बर्न होता है बड़ी जल्दी से। और ये स्ट्रेचिंग जो है ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है योग एक्सरसाइज में, क्योंकि इससे पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करती है। और मैं हमेशा स्ट्रेचिंग पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि ये हमारी बॉडी अनलॉक हो जाती है पूरी तरह से, और क्या होता है कि फिर हमारा फैट जो है वो तेज़ी से रिड्यूस होने लगता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आप सब थोड़ा बहुत योग मुझसे सीख लेंगे ऑनलाइन। सुबह के टाइम आप ज्वाइन करिए 5:30 बजे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।